हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आए जाने मध्य प्रदेश कर्मचारी समाचार। दो बड़ी खबर है। पहली खबर, कर्मचारियों की पदोन्नति का अब होगा रास्ता साफ। इसके लिए सरकार तत्पर हो गई है और कर्मचारियों को पदोन्नति देना चाह रही है। दूसरी बड़ी खबर, तबादला आदेश हुआ जारी। मतलब प्राचार्यों शिक्षकों ने जो अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए थे उसमें प्राचार्यों का तबादला आदेश जारी हो चुका है और शिक्षकों के लिए अब बाकी बारी बची हुई है। जानते हैं दो बड़ी खबरें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। 7 अगस्त 2019 का अपडेट है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। प्राचार्यों के तबादला आदेश जारी हो चुके हैं। उज्जैन में 77 प्राचार्य इधर से उधर हुए। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार शाम तक 77 प्राचार्यों का तबादला होने की जानकारी सहायक संचालक अभय तोमर को मिली है। तबादला आदेश प्राचार्य मोबाइल ऐप एम शिक्षा मित्र और पोर्टल से डाउनलोड कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, कनासिया हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य केसी लावरे का तबादला उत्कृष्ट विद्यालय तराना हो गया है। इसी प्रकार कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल खाचरोद में पदस्थ मानसिंह बघेल का तबादला ताजपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में हो गया है। 70 प्राचार्य ऐसे हैं जिन्होंने आपसी सहमति से पारस्परिक तबादला चाहा और उसकी सहमति भी शासन ने दे दी है। बहुत अच्छी बात है। शासन के लिए प्राचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपसी सहमति पर ही शासन ने तबादला नीति को सहमति दे दी। शिक्षकों को तबादला आदेश का भी इंतजार है। ग्रामीण स्कूलों में पदस्थ 1800 से ज़्यादा शिक्षक तबादला आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं। ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने तबादला शहर या शहर से सटे गांव में कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है। पूर्व आदेशानुसार जुलाई में ही पात्र शिक्षकों के आदेश हो जाने थे, मगर विधानसभा सत्र चलने और पोर्टल पर स्कूलवार रिक्त एवं स्वीकृत पदों की जानकारी अपडेट न होने से सूची अब तक जारी नहीं हो सकी है। लेकिन सूत्रों के अनुसार यह खबर आ रही है कि 10 अगस्त 2019 तक शिक्षकों के तबादला आदेश भी एम शिक्षा मित्र पर जारी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहली बड़ी खबर प्राचार्यों तथा शिक्षकों के तबादला आदेश के बारे में। अब दूसरी बड़ी खबर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन केस। मध्य प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के फैसले पर स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 6 अगस्त 2019 का अपडेट है। मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति देने का रास्ता खोलने के लिए कमलनाथ सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर स्थगन प्रस्ताव लेने के लिए आवेदन दाखिल करने जा रही है। इसमें अदालत से मांग की जाएगी कि वो हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिए यथास्थिति स्टेटस को स्थगन में तब्दील कर दे ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रमोशन हो सके और उनको इसका लाभ मिल सके। इससे सशर्त पदोन्नति का रास्ता खुल जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण को देखने के लिए नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में पदस्थ अपर आवासीय आयुक्त प्रकाश उन्नाले को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रकाश उन्नाले को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण आरके मेहरा के स्थान पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाने की तैयारी भी कर ली है। इसमें हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा 2016 में पदोन्नति नियम को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर जो यथास्थिति बहाल रखने के आदेश दिए हैं उसे स्थगन में तब्दील करने की मांग की जाए ताकि कर्मचारियों को और अधिकारियों को क्रमोन्नति तथा पदोन्नति का लाभ मिल सके। बहुत अच्छी बात है, सरकार इसके लिए पहल कर रही है और सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है। इससे 2002 के पदोन्नति नियम से सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन पदोन्नति मिलने लगेगी। हर पदोन्नति आदेश में बकायदा इसका उल्लेख भी रहेगा। इस मामले में अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए उन्नाले सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं से परामर्श करके आवेदन दाखिल करेंगे। पदोन्नति में आरक्षण का मामला 2016 से चल रहा है। इसकी वजह से अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नत किए ही सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं, अर्थात रिटायर हो जा रहे हैं। कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए तत्कालीन शिवराज सरकार ने सेवानिवृत्त की आयु 2 साल बढ़ाकर कर्मचारियों को कुछ राहत देने का काम किया,
पर पदोन्नति का रास्ता नहीं खुला। अभी तक 15 से 20 हजार कर्मचारी बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त हो गए, जबकि यह गलत है। प्रमोशन के बाद ही रिटायर्ड होना चाहिए तो ड्यूटी करने और कर्मचारियों या अधिकारियों को इसका लाभ मिलता है और सर्विस में संतुष्टि होती है। तो इस प्रकार से दो बड़ी खबरें थी आपके काम की कर्मचारी जगत से। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो या खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।